अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बड़े पर्दे पर छोटे किरदार निभाने वाले लोगों की कहानी कभी दर्शकों के सामने आती ही नहीं, क्योंकि उन कलाकारों का प्रेरणादायी जीवन किसी की जुबां में कैद रह जाता है। आज हम उस कलाकार की कहानी सुनाने वाले हैं जिसने हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाए, पर पंजाबी सिनेमा में वो एक बड़ा नाम रहा था। हिंदी फिल्मों की बात करें तो वो माँ के किरदार में ज्यादा देखी गई, पर यह भी बात है कि उन पर किसी का ध्यान नहीं गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त संगीता। स्वागत है आपका चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ में। आज हम आपको सुनाएंगे कहानी अभिनेत्री सुधा चोपड़ा जी की। इनकी वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है, पर हमारे कुछ दर्शक अभी इन्हें पहचान नहीं पाए होंगे, इसीलिए हम उन फिल्मों के नाम बताना चाहते हैं जिनमें सुधा जी ने काम किया था। ताज्जुब की बात यह भी है कि इन्होंने ज्यादातर बड़े बड़े बैनर की बड़ी फिल्में की थी। त्रिशूल में संजीव कुमार, काला पत्थर में अमिताभ बच्चन, सिलसिला फिल्म में राखी, बसेरा में पूनम ढिल्लो, इन कलाकारों की माँ के किरदार में सुधा चोपड़ा दिख चुकी हैं। इसके अलावा प्रेम रोग, रॉकी, पुकार, हम रहे न रहे, उल्टा सीधा, शीशा, राही जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी इनकी छोटी छोटी झलक दिखती है। 1977 से 1996 तक सुधा जी ने अनगिनत फिल्मों में काम किया। ओह नो नो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ये बम्बई है डार्लिंग। व्हाट? सॉरी कर्नल। मैं जानता हूँ ये बम्बई है, मुझे यहाँ आए 8 साल हो गए हैं। मिसेस खुराना, यस डार्लिंग कहने के जुर्म में 10 रुपया फाइन। डार्लिंग इंडोर, आउटडोर नो डार्लिंग। तो मैं कह रही थी कि बम्बई जैसे शहर में आना जाना आसान नहीं है डार्लिंग, कर्नल। हो सकता है उनकी टैक्सी बिगड़ गई हो। ऑफ कोर्स। कुछ फिल्मों में उनका नाम भी नहीं आया, पर उनके नाम 60 से अधिक बड़ी बैनर वाली फिल्में हैं। मिथुन चक्रवर्ती की कुछ फिल्मों में भी वो दिखाई देती हैं। अब इनके प्राथमिक जीवन पर बात करते हैं। सुधा जी का जन्म 20 सितंबर 1936 को अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था। पंजाबी हिंदू परिवार में ताल्लुक रखने वाले उनके परिवार में माता पिता के अलावा 2 बहन और 1 भाई था। विभाजन के पहले लाहौर में ज्यादातर अमीर हिंदू परिवार का बहुमत था और मुस्लिम लोग कम थे। आजाद भारत की खबर लगते ही खुशी का ठिकाना नहीं था, पर ये खुशी कुछ पल के लिए थी। कुछ ही घंटों में दंगे छिड़ गए और लाखों हिंदू परिवार को अपनी जायदाद, जमीन, बैंक बैलेंस, खेत और घर छोड़कर सीमा के इस पार बसना पड़ा। लाहौर में रहने वाले लाखों हिंदू परिवार को उनके घर से जबरदस्ती बाहर निकाला गया। आजादी के उत्सव में जहां लोग आजादी के जश्न में डूबे थे, वहीं भारत पाकिस्तान के तनाव में मासूम लोगों की हत्याएं हो रही थी। इस बीच सुधा चोपड़ा का परिवार भी बच नहीं पाया, पर अन्य मुस्लिम लोगों के बदौलत सुधा का परिवार सही सलामत दिल्ली आ गया। ऐसे बहुत सारे हिंदू परिवार आपको मिल जाएंगे जो ये मान लेंगे कि मुस्लिम पड़ोसी के कारण वे सीमा पार कर पाए थे। दिल्ली में ही सुधा ने अपनी पढ़ाई की, साथ ही डांस, नाटक, एक्टिंग के फील्ड में भी अध्ययन कर लिया। जब वो 19 की हुई तो उनके परिवार ने एक बढ़िया सा लड़का तलाशा और उनकी शादी कर दी। उनके पति M.M. चोपड़ा इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे, इसीलिए पति पत्नी एक जगह कभी बस नहीं पाए। पर उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी तब आई जब 1965 के साल में भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ। आपातकाल में उनके पति को गुजरात प्रांत में जाना पड़ा। तब तक उनके शादी को 10 साल पूरे हो चुके थे और उत्तर प्रदेश के बबीना शहर में वो अपने 2 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। देखते देखते युद्ध भी खत्म होने लगा, पर सुधा के पति घर वापस नहीं आए। सुधा को कोई खबर नहीं मिली कि उनके पति जिंदा हैं या शहीद हो गए। 10 साल में सिर्फ 4 साल सुधा ने अपने पति के साथ गुजारे थे। सुधा के जन्मदिन पर उनके पति खत के जरिए शुभकामनाएं भी भेजते थे, पर इस जन्मदिन पर सुधा के घर कोई खत नहीं आया था। ऐसे में उनका दिल
और मायूस होने लगा। वो अपने बच्चों को लेकर दिल्ली आई, जहां उन्हें खबर मिली कि युद्ध के दौरान मेजर M.M. चोपड़ा बहुत ही ज्यादा चोटिल हो चुके थे, इसीलिए उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में दाखिल किया गया। 24 सितंबर के दिन सुधा के सामने उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और सुधा चोपड़ा विधवा हो गई। M.M. चोपड़ा के साहसी कारनामों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र अवार्ड भी दिया। अब सुधा चोपड़ा अपने दो बच्चों के साथ दिल्ली में ही बस गईं। उन्हें घर के साथ बच्चों को भी देखना था। जीवन की तकलीफ राह के लिए भगवान ने उन्हें ही क्यों चुना, इस बात का विचार किए बिना सुधा ने नौकरी करने का फैसला किया। दिल्ली के एक बोर्डिंग स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करके वो नौकरी की तैयारी करने लगी। उनके पति अभिनेता कमलजीत के रिश्तेदार हुआ करते थे, इसीलिए कमलजीत की बदौलत सुधा को दूरदर्शन में काम मिल गया और यहीं से ही उनके जीवन की दूसरी पारी शुरू हुई। अपनी पढ़ाई के जमाने में उन्होंने कुछ स्टेज प्ले भी किए थे, इसीलिए उनका अभिनय सफर शुरू हुआ। पर यह सब इतनी जल्दी से थोड़ी होने वाला था। दूरदर्शन में उन्होंने करीब करीब 20 साल गुजारे। इसके बाद उनकी पहचान नामी फिल्मकारों से होने लगी। कहा जाता है कि सुधा चोपड़ा दूरदर्शन में बतौर प्रोड्यूसर काम किया करती थी। उनका हमेशा से मानना था कि उन्हें दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करनी है। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वे हमेशा काम करती रहीं। इसी बीच मशहूर फिल्मकार यश चोपड़ा ने सुधा चोपड़ा को अपनी फिल्म त्रिशूल में संजीव कुमार की माँ का किरदार दिया और इस तरह 1978 के साल से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। अगले 20 साल तक वो छोटे बड़े किरदार में दिखती रहीं। साल 1995 में उनकी आखिरी फिल्म तेरी जोत जले दिन रात रिलीज हुई। फिल्मों के अलावा उन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी काम किया था। दूरदर्शन के अलावा उन्होंने हिंदुस्तान थॉमसन इस एड एजेंसी में भी काम किया था, जहां उन्हें महाभारत और रामायण जैसी प्रसिद्ध टीवी सीरीज के प्रोजेक्ट मिले। आज सुधा चोपड़ा 86 साल की हो चुकी हैं। अपने जीवन में इतना संघर्ष करने के बाद उनके बेटे कहां मामूली शख्सियत बनने वाले थे। आज के जमाने में उनका एक बेटा नकुल बाल्क इंडिया कंपनी में CEO के पद पर कार्यरत है और दूसरा बेटा मुकुल अमेरिका में रहता है।